री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। केवीएस के माध्यम से टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए एक नई वैकेंसी की घोषणा की गई है और इसके लिए संक्षिप्त जो है नोटिफिकेशन भी जारी किए गए। हालांकि इसके डिटेल नोटिफिकेशन 5 दिसंबर के पूर्व आएंगे जब आपका आवेदन सबमिट करने का डेट प्रारंभ होगा और इसका डेट जो है वो 5 तारीख यानी 5 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक के लिए निर्धारित किया गया है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो कुछ सीटों की संख्या पर और उसके कुछ स्ट्रेटजी पर और कैसा इसका परीक्षा पैटर्न होता है इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसी परीक्षा है जो थोड़ी सी अपने नेचर में डिफरेंट है। विशेष करके यूपी की अगर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा से इसकी तुलना की जाए तो थोड़ा सा अपने नेचर में ये डिफरेंट है। लेकिन इसके साथ में इस बात को समझना आवश्यक है कि ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने के बाद उसका कोई डेट क्लियर नहीं है परीक्षा के लिए, तो ऐसे समय में आपके पास एक और वैकेंसी आती है जिससे परीक्षा के लिए आपका जो है अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ता है कि हम कंसंट्रेट होकर के अपनी प्रिपरेशन करें कि एक परीक्षा के बजाय हमें भविष्य में 2 परीक्षाओं को देने का मौका मिलेगा, जिससे हमारी दावेदारी कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए और सिलेक्शन के लिए बढ़ जाएगा। तो इसके लिए संक्षिप्त नोटिफिकेशन के माध्यम से जो डेट इसके लिए बताई गई है वो 5/12/22 से लेकर के और 26/12/22 तक, यानी कि 5 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में आवेदन इसके लिए किए जाएंगे। और दूसरी तरफ इसमें जो सीटों की संख्या है वो अलग अलग पोस्ट और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जारी किए गए हैं। तो इसमें पीजीटी के लिए 1409 सीटें दी गई हैं और इसी तरीके से टीजीटी पोस्ट के लिए 3176 पोस्ट। अगर देखी जाए तो यह एक पर्याप्त संख्या है जिसमें आप अपनी लड़ाइयां लड़ सकते हैं, क्योंकि सीटें जब बहुत कम होती हैं तो उसमें लड़ाई बहुत कठिन हो जाती है, आपके कंपटीशन बढ़ जाते हैं, किंतु इतनी संख्या है। ये बात और है कि यह इंडिया लेवल पर जो है ये परीक्षा आयोजित होती है, फिर भी अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी दावेदारी यहाँ पे मजबूती के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है पीआरटी के लिए इसमें 6414 यानी कि 6414 सीट घोषित की गई है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 12 से 13 हजार, इसमें लाइब्रेरियन की भी जो है पोस्ट है 355 सीट। तो जिन लोगों ने भी लाइब्रेरियन से संबंधित जो है डिग्री हासिल किया है अब तक, वो यहां पे आवेदन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 355 सीट जो है पर्याप्त होती है और ये थोड़ी सी स्पेसिफिक किस्म की जो है पोस्ट है, तो यहां पे कंपटीशन रिलेटिवली या सापेक्षिक रूप से तुलनात्मक रूप से अन्य पदों की तुलना में जो है यहां पर थोड़ा सा कम रहता है। तो ये रही बात जो है सीटों की संख्या को लेकर के कि पीजीटी टीजीटी पीआरटी और लाइब्रेरियन की जो सीट यहां पर निकाली गई है, और इसके साथ साथ में फाइनेंस अफसर के भी पोस्ट निकाले गए हैं, प्रिंसिपल के निकाले गए हैं, अन्य भी वैकेंसी निकाली गई हैं। हालांकि वो नोटिफिकेशन में डिटेल रूप में देखेंगे जहां पर एक्सपीरियंस भी प्रिंसिपल के लिए मांगता है, जाहिर सी बात है सभी स्टेट और जो है केबीएस या एमबीएस सभी जगहों पर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए डिग्री के साथ साथ जो है वो एक्सपीरियंस भी मांगता है। तो ये रही जो है एग्जाम के लिए जो संक्षिप्त नोटिफिकेशन है उसमें डेट और जो है सीटों की संख्या को लेकर के है। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा सा इसके परीक्षा पैटर्न को जो है देखते हैं, क्योंकि जो तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको अपनी दावेदारी उन परीक्षाओं के आधार पर प्रस्तुत करना होगा। इसमें 2 चरण निर्धारित किए गए हैं, लिखित परीक्षा का और दूसरा साक्षात्कार का, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पूर्व में 85 और 15 के रेशियो को, अब इसमें वेटेज जो निर्धारित किया गया है वो 70 और 30 के अनुपात में है, कि आपकी जो लिखित परीक्षा है उसके 70% मार्क्स को लिए जाएंगे और आपके इंटरव्यू के 30% मार्क को लिए जाएंगे। वहीं पर ये परीक्षा 150 अंक और 60 अंक के रूप में आयोजित की जाती है, ये लिखित परीक्षा होती है और ये साक्षात्कार के मार्क्स होते हैं। यहां पे जो क्वालिफाई करता है और ये जो है 30, ये प्रतिशत का रेशियो यहां पे है वेटेज के रूप में जो है दिखाया जाता है।
जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उनको साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और उनके लिए यह निर्धारित है कि इसके रिटर्न क्वालिफाई करने वालों सीट की तुलना में रिटर्न क्वालिफाई करने वालों की संख्या जो है वो 3 गुना 2.5 गुना या 2 गुना भी हो सकती है। यह समय समय पर और अलग अलग वर्षों में केवीएस के द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन फिलहाल आपको ये मान करके चलना है कि 115 से 120 क्वेश्चन आपको सही करने का प्रयास करना होगा, जिससे कि आप अपनी दावेदारी को निश्चित कर पाए। आप 105 या 108 पर भी आपके चयन हो सकते हैं, लेकिन वहां संदिग्धता की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए आपको कोशिश करना होगा कि 115 से लेकर के 120 प्रश्न आपको रिटर्न से जो है लेना होगा, जिसके आधार पर इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ते हुए आप फाइनल मेरिट और सिलेक्शन में आ पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 2 चरण जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के होंगे। अब यहां पर ये थोड़ा सा समझना है कि जैसा जब हम उत्तर प्रदेश या अलग अलग स्टेट के टीजीटी और पीजीटी को जो है देखते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, तो वहां पर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट फोकस्ड होता है, सेंटर्ड होता है, हम उसी को लेकर के तैयारी करते हैं। लेकिन ये जो केबीएस की परीक्षा है यह बहुआयामी टॉपिक आधारित तैयारी के माध्यम से चयन करता है, या इसमें यह कहा जाए कि कई अन्य विषयों से संबंधित जो है सिलेबस निर्धारित किए गए हैं जिसकी तैयारी आपको करना होगा। यह इस तरीके से जो तैयारी करवाता है जिससे टीचर जो है विभिन्न विषयों की जानकारी रखे और छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ा सके। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर लिखित और साक्षात्कार के बाद लिखित मार्क्स जो है वो पीआरटी और पीजीटी के लिए इस रूप में निर्धारित किए गए हैं। कि यहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश के मार्क्स जो है वो 20 हो जाते हैं, प्लस रीजनिंग कंप्यूटर कंप्यूटर जीके या जीएस आप कह सकते हैं, प्लस करंट अफेयर्स, और इसके बाद जो है वो पेडागॉजी से आते हैं कुछ। तो इस टाइप में जो है यहां पर आप देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीएस जीके प्लस करंट अफेयर्स हो गया, और पेडागॉजी यानी कि जिसको आप बाल मनोविज्ञान से जोड़ करके चाइल्ड साइकोलॉजी भी आप यहां पे कहते हैं। तो इस तरीके से ये 50 मार्क्स होंगे, 10 के गुणक में ये तीनों होंगे और प्लस ये 20 होगा, और 10 10 10 टोटल जो है ये 50 मार्क्स हो जाएंगे। अगला जो है एक टॉपिक यहाँ पर पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, और ये जो है सब्जेक्ट से संबंधित आएंगे, जिसमें 80 मार्क्स के टोटल होंगे 20-20 अंकों के। इसमें हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस और मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से ये सभी जो है 20 में होंगे, और ये 80 मार्क्स यानी कि 80 50 130 प्लस 20 ये टोटल जो है आपके बन जाते हैं 150 मार्क्स के टोटल जो है आपके ये बन जाते हैं। तो ये परीक्षा के जो है पैटर्न होते हैं, और इसी के आधार पर आपकी परीक्षा आयोजित की जाती है। हालांकि टीजीटी के सिलेबस में आप इतना समझना है कि यहाँ पे आपको जनरल सभी सब्जेक्ट्स की विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट जो यहाँ पे टीजीटी की तैयारी करता है और कई विषयों के बारे में जानकारी रखता है, वो वहाँ पे अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश कर पाएगा। जो कि जनरली जो है जीएस के बारे में, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रीजनिंग सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी भी जानकारी रखता है, उसकी दावेदारी यहाँ पे मजबूत होगी, और इस आधार पर वह अपना सिलेक्शन भी परीक्षा में ले पाएगा। और दूसरी बात रहेगी, जब तक आपका चयन नहीं हो जाता है तब तक आपके पास परीक्षा देने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, और तैयारी करने के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, परीक्षा में जो है दमदारी से अपनी प्रस्तुति जो है आप कीजिए। तो ये रही लिखित परीक्षा का मार्क्स। हालांकि यहाँ पे पार्ट वाइज अलग अलग सेक्शंस में पास होना आवश्यक नहीं है, टोटल मार्क्स जोड़ करके आपके रिटर्न के मार्क्स के आधार पर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे या आपको कॉल किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक रही बात फॉर्म डालने की क्राइटेरिया के बारे में, तो आप जो है पीजी
पीजीटी, जैसे पीजीटी पोस्ट के लिए है तो यहां पर पीजी होना आवश्यक है, पीजी होना आवश्यक है और बीएड होना आवश्यक है। और इसी तरीके से टीजीटी के लिए जो है ग्रेजुएशन यहां पर होना आवश्यक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना आवश्यक है, सीटेट आप क्वालिफाई किए हो। और इसी के साथ पीआरटी के लिए आपके जो डिग्री निर्धारित की गई है, ट्रेनिंग की डिग्री है, क्योंकि उसी के आधार पर आप सीटेट की परीक्षा देंगे, तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि सीटेट होना आवश्यक है, क्योंकि सीटेट होने के लिए भी आपकी वो डिग्री होना आवश्यक है। इसलिए दोनों का दोहराव न करके केवल ये कहा जाए कि अगर सीटेट यहां पर है, आप क्वालिफाई हैं, तो आप यहां पे प्रारंभिक परीक्षा ये पीआरटी के लिए जो है आप आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास जो है डीएलएड बीएलएड या इस तरीके से कोई प्रशिक्षण की डिग्री हो, या आप पीआरटी के लिए बीएड भी को सामान्य रूप से माना गया है। हालांकि ये पीआरटी के लिए बीएड रखने वाले कैंडिडेट के लिए इस बात को सशर्त इसमें प्रवेश दिया जा रहा है कि इनका जो कैंडिडेचर है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के अधीन होगा, किंतु इन्हें डालना चाहिए, बाकी जैसा कि कोर्ट का निर्णय होगा उसके अनुसार किया जाएगा। क्योंकि न डालने के बाद अगर मान लीजिए पक्ष में निर्णय आता है तो फिर बाद में ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वो फॉर्म डाल देते हैं तो बाद में अगर पक्ष में आ जाता है तो उनकी दावेदारी बेहतर रहेगी, और इस आधार पर वो पीआरटी में, चूंकि यहां पे सीटें भी ज्यादा हैं इसलिए संभावना उनकी बढ़ जाती है। तो ये कुल मिलाकर के क्राइटेरिया है कि बीएड वाले भी प्राइमरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के एक सामान्य परीक्षा में आवेदन करने की तिथि, सीटों की संख्या, परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। रही बात अंत में जो है स्ट्रेटजी को लेकर के, तो कोई भी परीक्षा हो, बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, छोटी से छोटी परीक्षा हो, परीक्षा में आपका चयन लेने का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, इस बात को समझना आवश्यक है। और इसके लिए पूर्व के वर्षों के प्रश्न पत्रों की बेहतर ढंग से जो है पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप अपने लिए सबसे पहला कार्य कीजिए कि आप बैठिए और अपने सिलेबस पर आधारित जो है स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर लीजिए, और यह काम आपको एक सप्ताह के अंदर कर लेना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपके टेबल पर सिलेबस आधारित, पाठ्यक्रम आधारित आपके स्टडी मटेरियल, अध्ययन सामग्री होते हैं, तो ये समझिए कि आप कॉन्फिडेंस में आते हैं, 30-40% आपके प्रिपरेशन उसी दिन हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अपने पाठ्यक्रम आधारित स्टडी मटेरियल का कई बार अध्ययन कीजिए, जिससे आपकी मजबूती वहां बनती है तैयारी पर और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। केवल ऑनलाइन पढ़ाई पर आपको भरोसा नहीं करना है, वही टॉपिक जो आपकी किताबों में नहीं मिलता है, किताबों में पढ़ने पे समझ में नहीं आता है, उन टॉपिक के लिए जो है आपको क्या करना है, ऑनलाइन मटेरियल को पढ़ना है, देखना है, जिससे कि आपकी उस सेक्शन की भी तैयारी हो सके। तो पूर्व के वर्षों के जो है प्रश्न पत्रों को बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए, अपने पाठ्यक्रम आधारित स्टडी मटेरियल का बार बार अध्ययन कीजिए, और जब परीक्षा की डेट आ जाए, 2 महीने या 1.5 महीने बचता है, तो आप एक टेस्ट सीरीज आयोजित हो रहे हो जहां पर भी, वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके तैयारी का आकलन हो जाएगा, दूसरी तरफ आपके टाइम मैनेजमेंट या वो त्रुटियां जो एग्जाम में हो सकती हैं वो नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर के इसकी जो स्ट्रेटजी है, या किसी भी एग्जाम की जो स्ट्रेटजी होती है, वो पाठ्यक्रम की बेहतर ढंग से तैयारी, पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्रों की बेहतर ढंग से तैयारी, जिससे कि परीक्षा के स्तर, उसके कठिनाई के स्तर के बारे में जानकारी मिलती है, और उस आधार पर आप समय का प्रबंधन कर पाते हैं, विभिन्न प्रकार के त्रुटियों से अपने आप को बचा पाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि एक नई वैकेंसी है जहां पर आप अपने तैयारी के आधार पर दावेदारी पेश कर सकते हैं, वो वैकेंसी आपके स्वागत के लिए तैयार है। विस्तृत नोटिफिकेशन आगे 5 दिसंबर तक आप लोगों को मिल जाएगी, जहां से आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। और यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक के एग्जाम के लिए नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं था, लेकिन नोटिफिकेशन में भी वो चेंज कर सकता है। लेकिन आपकी तैयारी अगर बेहतर रहेगी तो नोटिफिकेशन में आने वाले नेगेटिव मार्क्स की सूचना भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और इससे मोटिवेट होते हुए आप न केवल आवेदन कीजिए बल्कि परीक्षा में दमदारी के साथ प्रस्तुत अपने आप को कीजिए। पुनः अगले लेक्चर में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।